नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल। दोस्तों आज जो हम बात करने वाले हैं अपने आंखों की रोशनी के बारे में बात करना है, तो वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा कि ऐसी ऐसी जानकारी जो है आप लोगों के पास में डायरेक्ट मिलती रहे। तो चलिए इस कमाल की वीडियो को अभी हमारे इसी वक्त शुरू करते हैं। दोस्तों बहुत सभी लोग कमेंट करते हैं कि सर ये बताइए कि आंखों की रोशनी के लिए हमें क्या क्या चीज जो है वो खाना पड़ता है। दोस्तों आप लोग अगर आंखों की रोशनी बचा करके रखना है बुढ़ापे तक, तो आपको दो काम जरूर करना पड़ेगा। आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए विटामिन सी भरपूर मात्रा में चाहिए। तो विटामिन ए की स्रोत है जैसे कि जब मछली आप खाएंगे तो आंखों की रोशनी जो है वो हमेशा बरकरार रहेगा, पहला नंबर। दूसरा नंबर गाजर का सेवन कीजिए। तीसरा नंबर जो है पालक का सेवन कीजिए। पालक का सेवन करेंगे उसमें भरपूर मात्रा में ए मिलता है और विटामिन सी जो है वो भरपूर मात्रा में मिलता है। और आपको विटामिन सी की स्रोत जो है उसके लिए आपको जो है वो संतरा खाना पड़ेगा और आलू की सब्जी। विटामिन सी उसमें भरपूर मात्रा में मिलता है। अगर आप लोग ये चीज जो खाएंगे सब, तो आपको आंखों की रोशनी पूरा हरदम हर वक्त बना रहेगा। बुढ़ापे तक आपकी आंखों की रोशनी बन करके और ताजा रहेगा। यहाँ तक कि अगर आप ये खाना शुरू कर देते हैं तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए चश्मा अगर आपको लगाए होंगे तो आपको चश्मा जो है उतर जाएगी। इसीलिए मछली में बहुत विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलती है। और हरा मिर्च खाना चाहते हैं तो हरा मिर्च खाना में जरूर खाइएगा, क्योंकि हरा मिर्च में विटामिन ए भरपूर मात्रा में मिलता है। गाजर भी खाइएगा तो आपकी आंखों की रोशनी के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। दोस्तों ये रही कुछ आंखों की विटामिन के बारे में, क्योंकि जो आंख है वो सबसे मूल्य हम लोग की आंखें है। अगर आंखों की रोशनी चली जाएगी तो समझिए कि हम लोग की जीवन जो है वो कभी अच्छा नहीं रहेगा। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी जानकारी चाहिए तो मेरे वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। माता दुर्गा जी से हम हर दम हर वक्त रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग जहां भी रहें वहां खुशहाल रहें। थैंक यू दोस्तों, जहां भी रहें वहां बने रहें।